You earn more than 3.5 lakhs per month. This is true. This assumption is 100% true. मुझे बांध के कोई घसीट के लेके. Yes, I am secretly dating someone. Kiss, kiss of. Yeah, you can come and watch me drink my morning coffee. Welcome back to my channel, Eid Mubarak. I really hope you all are watching this on Eid day. So Eid Mubarak, I am filming my annual Eid Get Ready With Me. Every year as I get ready for Eid, I shoot a video, I answer a bunch of your questions because this is the first video that I ever uploaded on my channel. मैंने ईद के दिन ही अपना वीडियो शूट एडिट एंड अपलोड किया था अपने फर्स्ट वीडियो के लिए और वो ट्रेडिशन मुझे मेंटेन करना है और ये साल एज आई गेट रेडी फॉर ईद इन दिस वेरी सटल समरी पेस्टल ग्लैम अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ योर अजम्पशंस. क्या क्या लोग अज्यूम कर सकते हैं इंटरनेट पे व्हेन यू पुट योर लाइफ आउट देयर एंड आई एम सरप्राइज्ड टू से द लीस्ट अबाउट द अजम्पशन दैट हैव कम इन. सो यू आर गोना हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम वॉचिंग दिस. गो ग्रैब योर शीरकुरमा, गो ग्रैब योर बिरयानी एंड लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दिस. बट इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव कम ऑन टू माई चैनल देन हाई, आई एम सारा. आई मेक ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल कॉन्टेंट हियर ऑन यूट्यूब. टेक अ मोमेंट, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, जॉइन द सारा स्क्वाड. आई एम श्योर यू लव इट हियर एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन राइट नेक्स्ट टू इट सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू गेट नोटिफाइड. एंड विद दैट in that strain with this. All right, I'm going to start with skin prep. I'm using this Sugandha Hydrating Mist and Cica Peptide. ये मैं अपने vanity पे अपने रखने लगी हूँ. New launch है but मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है because it's very hydrating to do this in the summers. Patting this into the skin, I'm going to start with the first assumption that we have by Ipsita who says, you feel confident because of your height. I'm 5'10 for all the people who don't know because ये बहुत common question है जो मेरे हर एक post पे आता है कि आपकी height क्या है. एंड इनिशियली जब मैं छोटी थी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था अपनी हाइट की वजह से बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू एंड कीप टेलिंग मी योर टू टॉल फॉर अ गर्ल, योर टू टॉल फॉर द एवरेज विमेन और व्हाटएवर. एंड व्हेन पीपल कीप ऑन पॉइंटिंग आउट समथिंग ऑफकोर्स यू डोंट फील कॉन्फिडेंट बट नाउ आई डू नाउ इफ आई वॉक इन अ रूम आई फील कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर आई एम बिकॉज मैंने इतना सुन लिया है ना एट दिस पॉइंट कि आई एम लाइक आई एम टॉल सो वॉट. एंड नाउ आई जस्ट रियलाइज दैट पीपल वॉन्ट माई हाइट, दैट इज द रीजन दे कॉम्प्लीमेंटेड, दे वॉन्ट टू बी एज टॉल एज मी, दैट इज वाई दे आर पॉइंटिंग इट आउट. छोटी भी थी ना हमेशा मैं, मतलब हम लोग शादियों में जाते थे तो मेरी बहन के साथ मुझे कंपेयर करते थे कि ये छोटी लग रही है ये बड़ी लग रही है, लाइक आई एम लुकिंग लाइक द एल्डर वन इवन दो शी इज लाइक 7 years older to me. So that also used to bother me a lot. Like as a kid, you get irritated by a lot of things, I think. But जैसे जैसे तुम बड़े हो तो इतनी मतलब आदत हो जाती है ना ये लोगों की बातें सुनने की कि अभी at this point I really don't care. I applied the Aqualogica sunscreen, by the way. If I forget to mention any product while I'm doing my makeup, I'm just gonna link everything in the description box for y'all as always. I'm taking the Smashbox Pore Minimizing Primer. This one is so good. Like मैंने ना बहुत time तक अपनी first tube use की थी. अगर आप OG subscriber हो ना तो ये पहली बार तो बहुत महंगा है, इट्स लाइक समवेयर अराउंड 3000 टू बाय दिस प्राइमर. सो इट वाज सो एक्सपेंसिव बैक इन द डे जब मेरे पास सिर्फ पॉकेट मनी थी और मैंने उसमें इन्वेस्ट किया था. तो मैं इतना प्रोडक्ट लेके मैंने उसको अच्छा खासा 3 साल यूज किया होगा, वे ओवर इट्स एक्सपायरी. बट उसके बाद भी मैंने आई वेंट अहेड परचेज इट एंड आई वाज स्टिल यूजिंग इट लाइक अ कंजूस. एंड नाउ दैट द समर्स हैव कम आई एम लाइक आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस. लाइक इट जस्ट मेक्स योर मेकअप लुक, इट जस्ट ब्लर्स माई नोज, माई पोर्स, माई स्माइल लाइन्स एंड माई मेकअप लास्ट सो लॉन्ग विद दिस प्राइमर. So it definitely, if you're oily skin or if you have a pores wala issue, you have to invest in this. Thoda thoda use karo, it's not a problem. You don't need a lot of product, but definitely invest in this, especially for your summer shadis and weddings and all. You're gonna love it. For foundation, I'm taking the Huda Beauty stick foundation. I'm in the shade Toffee in this one. And I like the coverage of this. It's easy going summers ke liye. So that's why I'm going for this. Mera Eid outfit, like you can see, is a pastel outfit. So I'm going for more of a like a simple neutral vibe. वैसे भी ईद पे इतना कुछ इतने समर्स में आई डोंट वॉन्ट टू डू लाइक हैवी मेकअप, इट्स नॉट शादी. टेकिंग द पैक एक्स जोविटा फाउंडेशन ब्रश, द नेक्स्ट अजम्पशन वी हैव इज बाय शालिनी हू लव ड्राइविंग. आई फील सुपर मोटिवेटेड व्हेन आई सी यू ड्राइविंग टू योर शूट लोकेशंस और जस्ट एनीवेयर इन जनरल. लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल शालिनी. येस, दैट अजम्पशन इज एब्सोल्युटली ट्रू. आई डू लव ड्राइविंग. आई थिंक जब मैं मेरे डैड को या किसी और को भी गाड़ी चलाते हुए देखती थी ना, मुझे बहुत फैसिनेशन होता था. मुझे उबर ड्राइव तो रिक्शा ड्राइवर से भी बहुत फैसिनेशन होता था. व्हेन आई यूज्ड टू सी देम ड्राइव एंड आई यूज्ड टू वांट टू ड्राइव अ व्हीकल, एनी व्हीकल फॉर दैट मैटर. इसलिए बिफोर
लाइक राइट बिफोर आई टर्न 18 आई लर्न हाउ टू राइड एन एक्टिवा. उसमें कुछ लर्निंग था नहीं, बिकॉज आई न्यू हाउ टू राइड अ साइकिल एंड कोई मेरे साथ आता नहीं था. मन में मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन होता था कि कोई मेरे साथ आता नहीं था सिखाने के लिए. सो आई शुड टेक डैड एंड गो कॉलेज स्टेशन जाती थी मैं रोज सुबह. आई शुड टेल हिम कि आप चलो मेरे साथ. आई यू शुड ड्राइव टिल द स्टेशन, यू टू कम विथ मी एंड देन यू शुड ड्राइव बैक खुद से. So because I should take the train and go. So that's how I pretty much learned how to drive. And then you have to do your own those long night drives. I used to take my friends as sat with me through all my driving lessons. And I absolutely love driving. Kahin pe bhi abhi jana ho, shoot ho, kitna bhi heavy outfit pehna ho. But mujhe hi gaadi chalani hai. Mujhe Uber lene nahi pasand. Mujhe kisi aur ko meri gaadi dene mein bhi bilkul trust nahi hai. Preeti assumes you had got a very hard reality check in your past. So now you are very strong. Not really a very hard reality check. But I'm the kind of person ना जो मैं हर एक सबक से सीखती हूँ. Like I don't let anything go. Not letting anything go as in I don't hold on to things. But if something wrong happens in my life or somebody else's life or I feel like ये decision की वजह से उनकी life में ये बराबर नहीं हुआ, किसी और की भी life में हो सकता है, मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीख लेती हूँ कि बॉस ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ये लाइक यू नो थोड़ा फूक फूक के कदम रखते हैं ये सारी एरियाज में. सो व्हेन इट कम्स टू लाइक मनी मैटर्स और लोन्स और फाइनेंसेस और स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक दिस, आई हैव सीन माय पेरेंट्स गो थ्रू अ लॉट व्हेन आई वाज लिटिल एंड यू नो स्ट्रगल इन सो मेनी एरियाज दैट आई हैव seen their hardships and learned from their hardships. A lot of career decisions in my life, agar aapne dekha hoga, wo change hue hai. It's only because I want to take the route that is more stable at that point. Like, wo time pe life mein main jahan hu, I want to make the most of it. And that I've definitely learned from my parents because they've also had that attitude growing up and in life in general. But maine unki bahut hardships dekhi, mere khud ki life ki hardships se zyada to maine unki dekhi hai aur unse maine kafi kuch sikha hai. Like from their mistakes, they also say that don't repeat the same mistakes we did, don't do it the way we did. And I think it takes a lot in parents to say that ke humne jaisa kiya aap waisa mat karo. Fatima says you were always insecure about your skin complexion and height and that's what you learned to overcome and now you are making us learn self love. This is very very true. Exactly what you said is true because काफी लोगों ने ऐसा भी बोला है कि आप सिर्फ कैमरा के लिए स्किन लव एंड सेल्फ लव दिखाते हो बट इन रियल लाइफ यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ योर एक्नी मार्क्स एंड स्ट्रेच मार्क्स एंड ऑल. ऐसा नहीं है, हुआ करता था. आई वॉज कॉन्शियस ऑफ माई एक्नी मार्क्स, स्ट्रेच मार्क्स, ऑल ऑफ दिस एंड पीपल हैव पॉइंटेड माई स्किन टोन, माई कम्प्लेक्शन, ऑल दीज प्रॉब्लम इन मी. लाइक मेरी तो एक टीचर ने खड़े खड़े मेरे बाजू में मेरी स्किन को ऐसा पॉइंट करके शी वॉज लाइक शी वॉज पॉइंटिंग एट माई एक्नी. दिस इज इन मेड स्कूल, लाइक इन मेड स्कूल अ टीचर इज पॉइंटिंग एट माई एक्नी to a 20-something-year-old girl who anyways might have hormonal issue and you being a medical professional should have that much brain to nod. But I realized that it does not take education for people to have common sense. She did that and I felt so, like, hum log ek discussion mein the and she suddenly pointed to my skin because my skin was really inflamed aur bahut acne aa rakhe the. And then I felt so humiliated. And then she's looking at me and then she's like, mujhe kabhi nahi the, pata hai, mere teenage mein. I was like, good for you. Like, I didn't tell her that on her face out of respect, but in my head, I'm like, good for you. You didn't have, like, you have itna akkal to not say that. And people just lack common sense. So after having so many encounters in person, I just want to take this platform on the internet that I have and scream to the 5 lakh people who watch me that please don't say that to anybody. Don't ever point out somebody's insecurities. तुमको नहीं मालूम कि वो कितनी medicines ले रही है वो acne के लिए, कितना treatment कर रही है, कितना पैसा डाल चुकी है और कितना भी struggle करो वो ये phase है life का. This is your 20s, you're going to have problems and skin tone, body fat, all of this everybody has. It's your, you can't point out somebody's insecurities. कितना बुरा feel होता है किसी को. Okay, next I'm taking concealer. I'm taking the Pack Cosmetics concealer. I really like how my base is looking. With the Huda foundation, I mixed a little bit of the Too Faced one. ये मेरे लिए लाइट है, इट्स इन द शेड सैंड, तो हुडा के साथ मिक्स करो तो प्रॉपर हो जाता है. एंड फॉर अंडर आईज हाइलाइटिंग आई एम टेकिंग दिस इन द शेड बर्थडे सूट. द नेक्स्ट अजम्पशन इज बाय स्पंकी लॉली गैग एंड शी सेज what was the process of your own coffee brand, your business idea, everything. And her assumption is your father is helping you a lot. 90% work I think he does, which is very funny because this assumption is not true at all. I wouldn't say my dad doesn't help me, he advises me. He doesn't do physical help for me. And that is also because unko lack of knowledge hai in the e-commerce world. His business is very different from my business. He's in the manufacturing line of things, I'm in the D2C line of things. So hum dono ka bahut alag ho jata hai. So he samne se wants to help me but he can't because he doesn't have any knowledge in that. But whenever it comes to financial advising, ke kiske paas jana hai, kisse baat karni hai,
या मैं अगर कोई चीज सीख के आऊँ और उनको बताऊँ तो आई विल ऑलवेज शेयर. लाइक आई फील लाइक नाउ दैट आई स्टार्ट डूइंग बिजनेस आई एम अ लॉट मोर क्लोजर टू माई डैड इन हैविंग कॉन्वर्जेशंस बिकॉज ही कैन ऐड टू अ लॉट ऑफ वॉट आई एम लर्निंग. वेन वी वर इन स्कूल ही नेवर रियली केयर्ड. वेन आई वाज इन मेड स्कूल ऑल्सो ही नेवर रियली केयर्ड एज इन वो क्या ही करते हैं और क्या ही बोलते हैं मतलब क्योंकि उनका फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं था. एंड ही ओनली ही इज ऑलवेज वेरी एनकरेजिंग बट ही ओनली स्टिक्स टू वॉट ही नोज. वैभव अज्यूम्स योर ड्रीम वॉज टू बी अ डॉक्टर एंड कॉन्टेंट क्रिएशन वॉज एन इनर हॉबी यू ऑलवेज वॉन्ट टू ट्राई. दिस इज वेरी ट्रू. इन फैक्ट जस्ट दी अदर डे आई वॉज जस्ट ड्राइविंग एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक आई वॉज हैविंग सो मेनी मीटिंग्स एंड सो मेनी कॉल्स. एक ब्रांड कॉल था, एक एग्जीबिशन में जाना था, आई हैड दीज टीम रिक्रूटमेंट कॉल्स गोइंग ऑन, लाइक फुल ब्लोन बिजनेस स्टफ. लाइक यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई वॉज नॉट ट्रेन्ड टू डू, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डिडंट स्टडी टू डू, अ लॉट ऑफ थिंग्स आई डिडंट थिंक आई वुड बी डूइंग वेन आई वॉज 23. लाइक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई वोंट से आई एम नॉट प्राउड ऑफ वेयर आई एम एंड हाउ मच आई हैव ग्रोन इन दिस जर्नी, बट दिस वॉज नॉट वॉट आई हैड प्लैट इन द फर्स्ट प्लेस. आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, आई जेन्युइनली जेन्युइनली डिड. एंड येस आई डिड अचीव अ पार्ट ऑफ इट. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नॉट टेकिंग माई स्टडीज फॉरवर्ड हैज अपसेटेड मी ऑन सम लेवल, आई विल नॉट लाई. लाइक आई डू लव स्टडिंग, आई वॉज अ वेरी बिग गीक इन स्कूल, आई वॉज अ टॉपर. मुझे हमेशा हमेशा पढ़ाई से मुझे लगाव था. लाइक मेरे माँ को कभी मुझे बोलना नहीं पड़ा कि बेटा पढ़, मैं खुद से बुक लेके पढ़ने वाली बच्ची थी. लाइक आई वॉज दैट किड, आई स्टिल लव स्टडिंग एंड अ पार्ट ऑफ मी दैट कांट स्टडी बुक्स टूडे फील्स अपसेट. इट्स नॉट अबाउट जस्ट बींग डॉक्टर और समथिंग इन द प्रोफेशन, बट इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक जस्ट स्टडिंग, लाइक ओपनिंग योर बुक्स एंड स्टडिंग. आई मिस दैट स्टूडेंट लाइफ, आई समवेयर वॉन्टेड बैक. आई कीप लुकिंग एट कोर्सेज दैट आई कैन स्टिल डू टू यू नो एनहैंस माई स्किल्स इन सम वे. बट द मोर यू डू बिजनेस, द मोर यू मीट द राइट पीपल, यू रियलाइज कि जितना रियल लाइफ में सीखने मिलेगा ना ऐसे सारे फील्ड्स में उतना बुक्स तुमको नहीं सिखा पाएगी. तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ माई टाइम एंड आई माइट नॉट लर्न एवरीथिंग दैट द रियल वर्ल्ड इज टीचिंग मी टुडे, बट दैट इज मी टुडे. आई माइट चेंज दिस डिसीजन नेक्स्ट ईयर और द ईयर आफ्टर दैट और वेन एवर आई फील लाइक आई एम नॉट गेटिंग इनफ इंस्पिरेशन, आई माइट गो बैक टू स्टडीज बिकॉज आई लव्ड स्टडिंग एज अ किड. आई वॉन्ट कॉन्टेंट क्रिएशन टू ऑलवेज बी लाइक अ हॉबीश. येस इट पेज माई बिल्स टूडे, येस माशाला से इट डज रियली वेल फॉर मी, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू जस्ट कंटिन्यू कि अगर वो कल को मुझे पैसा ना दे रहा हो ना तो भी मुझे कॉन्टेंट बनाना है बिकॉज मुझे इतनी मजा आती है कॉन्टेंट बनाने से. तो आई डोंट वॉन्ट इट टू बी द ड्राइविंग फोर्स कि मुझे आई हैव टू मेक कॉन्टेंट टू पे माई बिल्स, आई हैव टू मेक कॉन्टेंट टू पुट फूड ऑन द टेबल. आई डोंट वॉन्ट दैट टू बी द केस. दैट इज द रीजन वाई इम्पल्स इज माई फोकस फ्रंट एंड सेंटर. या शी इज अज्यूमिंग दैट आफ्टर योर ब्रेकअप यू हैव लॉस्ट अ बिट ऑफ इंटरेस्ट इन लव एंड रिलेशनशिप्स. Yes, that is true. My last breakup was very, I would say, consuming. And I know कि मैंने इतने long term relationships रखे नहीं है. एक ही relationship था, वो भी 6 months का. And that also when it broke off, it hurt me so much. I feel like 6 महीने के relationship में वॉन करने मुझे और 6 महीने लगे तो मेरा पूरा एक साल बर्बाद हो गया. And I do miss the companionship. Who doesn't want to be loved and who doesn't want a partner? But that heartbreak that happens after, it's so consuming that टुडे आई एम नॉट इन द फेज. मुझे डर लगता है कि आई एम लाइक इफ आई गेट इन टू एंड फॉल फॉर समवन मूविंग ऑन फ्रॉम दैट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट व्हेन इट डजंट वर्क आउट एंड इट माइट दैट इज दैट फियर एंड दैट कमिटमेंट इशू काइंड ऑफ थिंग दैट आई हैव दैट इज डेफिनेटली दैट इट्स एन इनसिक्योरिटी दैट इज देयर के हार्ट ब्रेक इज वॉट हर्ट्स मी एंड दैट्स द रीजन आई डोंट डाइव इन टू रिलेशनशिप्स. मतलब मैं भागती हूँ, मैं दूसरी अगर मुझे कोई बोले ना कि आई लाइक यू आई रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आई लिटरली डू दैट. ओके, कोहली हैज अ लॉट ऑफ अजम्पशंस. शी हैज अज्यूम दैट यू आर गोइंग टू शिफ्ट इन टू अ न्यू SSS, विच इज ट्रू. मुझे करना ही पड़ेगा जब ये रेंट खत्म होगा. ये रेंट का टर्म अभी डिसंबर में खत्म होगा तो उससे पहले ओनली इफ आई कैन फाइंड समथिंग फॉर माई सेल्फ वेल एंड गुड. You show confidence in camera, but deep inside you're not happy about it and you're working towards it. Absolutely not. जैसे मैं कैमरा पे दिखाती हूँ मैं वैसी हूँ. मैं खुश हूँ तो मैं खुश दिखाती हूँ, मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी दिखाती हूँ. I cannot fake it to make it. That is not me. Your parents supported you when you started your YouTube channel. My parents didn't support me as to like they didn't fund me or मोटिवेट मी और एनी थिंग, क्योंकि उनको समझता ही नहीं था कि भाई क्या है. दे वर जस्ट लाइक हाँ अरे वाह ओके मेक वीडियोज ओके ठीक है. लाइक दे सॉ अ कपल ऑफ वीडियोज इन द स्टार्ट एंड देन दे वर ओके विद इट. ठीक है करती है, सैटरडे को आती है कॉलेज से वीडियो बनाती है, संडे को डालती है, ठीक है. दे डिड नॉट केयर बिकॉज मेरे एग्जाम्स, मेरी पढ़ाई, वो सब चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मायने रखती थी, मेरे लिए भी और उनके लिए भी. सो दे वर जस्ट मोर फोकस्ड अबाउट दैट. एंड एज पेरेंट्स, माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बिन सो बिजी इन जनरल कि वो लोग के पास इतना टाइम नहीं कि मैं जो जो कर रही हूँ सब में इंटरेस्ट ले. तो दे डिडंट इनिशियली. इनफैक्ट वी हैड अ लॉट ऑफ
प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब, क्योंकि वीकेंड पे आई यूज टू शूट एंड आई वुड वॉन्ट द एंटायर हाउस टू बी क्वाइट व्हेन आई एम शूटिंग बिकॉज ऑडियो डिस्टर्बेंस आता है एंड दैट यूज टू कॉज अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन माई हाउस बिकॉज संडे ही मिलता था उन लोगों को भी टीवी देखने एंड संडे ही मिलता है मेरे को भी वीडियो शूट करने के लिए. सो दोज वर द डेज वेन दे वर नॉट सपोर्टिव बट देन लेटर ऑन नाउ तो दे आर सुपर सपोर्टिव. दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. दे यूज टू आर्ग्यू अबाउट इट बट दे नेवर सेड के बंद कर दे, मत कर, क्यों कर रही है, ऐसे सब नहीं बोलते थे. दे वर जस्ट लाइक कि अभी मत कर, कल कर, जो हम लोग को भी सिर्फ संडे मिलता है ये वो. तो उनका भी आर्ग्यूमेंट सही था, उनका गलत नहीं था. उनका भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है पूरा हफ्ता काम करके इंसान को संडे ही मिलता है. लाइक एट दैट पॉइंट दोज वर द पॉइंट्स वेयर वी यूज्ड टू हैव लाइक बैड फाइट्स वेयर वी वर लाइक के क्या करें, लाइक दे कांट गेट पीस इन देयर हाउस, आई कांट गेट पीस इन माई वर्क. एंड दैट इज द रीजन द फर्स्ट डिसीजन आफ्टर आई कुड बिकम अ लिटिल इकोनॉमिकली स्टेबल वाज आई वाज लाइक आई नीड अ स्पेस टू शूट वीडियोज बिकॉज ऐसे नहीं चल सकता है. लाइक कुछ भी हो जाए ऐसे नहीं चल सकता है. मुझे मेरी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरी फैमिली पीस बहुत इंपॉर्टेंट है. फोर्थ असम्पशन बाय कोहली इज यू लाइक टू ट्रैवल एंड सोशलाइज विद पीपल इजिली. येस दिस इज ट्रू. आई लव ट्रैवलिंग, आई लव मीटिंग न्यू पीपल, लव नोइंग देयर स्टोरीज एंड आई कैन टॉक टू लिटरली एनी वन एंड एवरी वन. आई कैन मेक अ कॉन्वर्जेशन विद अ स्ट्रेंजर. सेन इन अज्यूम्स यू नेवर रियली वॉन्टेड टू बी एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. पी एस लव योर कॉन्टेंट एंड योर वाइब. To be very honest, I didn't know what an OT was before I took it because my marks were such, like I got 140 on 200. So, usme you don't get MBBS, wo to out of question tha. Mujhe dentistry karna nahi tha, wo bhi matlab milta nahi tha. Mumbai mein, Maharashtra mein nahi milta tha. I didn't even want to leave Maharashtra and go. I didn't want to pay for a seat, which a lot of people do. So, mere itne usool the na. I started researching about the allied health sciences that were there and I चोज ऑक्यूपेशनल थेरेपी. मैंने लिटरली सिर्फ पांच कॉलेज के नाम भरे थे, पांचों चार ओ टी थे और एक स्पीच थेरेपी का कॉलेज था अपनी लिस्ट में. पीपल फिल लाइक लिटरली 30-40, सम पीपल फिल 100 कॉलेजेस ऑल्सो आई थिंक इन दियर प्रेफरेंस लिस्ट. और फिर जो लगता है वो लगता है. मैंने सिर्फ पांच भरे थे बिकॉज आई वॉज दैट श्योर एट दैट टाइम कि इतने मार्क्स में ये मिलेगा और ये मिल रहा है तो मुझे यही कॉलेजेस से करना है. सो द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र वर KEM सायन नायर एंड दीवा पाटिल ऑल्सो हैड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड उसमें से बेस्ट वॉज KEM एंड आई गॉट इन टू द बेस्ट फॉर वॉट एवर कोर्स आई वॉन्ट टू डू. वंस आई लर्न अबाउट इट, येस आई डिड वॉन्ट टू डू इट. पार्शियली डिड नॉट नो अबाउट इट टिल I was not aware. I don't regret whatever I've studied, not even one bit, because पढ़ाई तुम कुछ भी करो ना कभी भी लाइफ में काम आती है. आज आज जो भी मैंने पढ़ा है उसकी वजह से आई एम सो नॉलेजेबल, आई एम सो डिसिप्लिन इन लाइफ. प्लस इन जनरल ऑल्सो आई हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. यू नो यू लर्न एंड यू मेक कॉन्टैक्ट्स, दैट्स वॉट यू गो टू कॉलेज फॉर. सो लाइक जब दादी का भी हुआ और उनको इतने मतलब मेरे दो तीन फोन कॉल से सब अरेंज हो जाता है. मालूम है जब दादी को हेल्प चाहिए थी, हॉस्पिटलाइजेशन करना था, कोविड वेव के टाइम पे ही था एंड यू डोंट गेट बेड्स एंड ऑल इजिली. इफ यू लाइक इफ यू डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स यू डोंट गेट बेड्स एंड स्टफ इजिली. बट स्टडी विथ मी हैज अज्यूम्ड टू थिंग्स बट आई एम गोइंग टू टेक ओनली वन. योर फैमिली इज योर प्रायोरिटी ऑलवेज. दिस इज ट्रू. माई फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. दे आर माई एपिसेंटर ऑफ एवरी थिंग. कृतिका हैज अज्यूम्ड दैट यू आर वेरी गुड इन मैथ्स. I'm so bad in maths. This is such a false assumption. मेरे से tax भी calculate नहीं होता है. मालूम है तुमको, मैंने maths 11th में ही drop कर दिया था guys. मतलब मैं इतनी sure थी ना कि मेरे को biology ही करना है, मुझे maths से लेना देना नहीं है, मैं medical ही करूँगी, engineering का scope ही नहीं है. ओके आकांक्षा अज्यूम्स यू आर अ चिल पर्सन इन रियल लाइफ टू एंड यू आर वेरी पर्टिक्युलर विद द पार्टनरशिप्स यू चूज एज इन कोलैबोरेशंस. यस आई एम अ वेरी चिल पर्सन. मुझे बहुत कम चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, मोस्टली चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है. नो आई डोंट टेक इट टू हार्ट. इट इज वॉट इट इज द एटीट्यूड इन लाइफ. बिकॉज हर एक चीज़ ऐसा दिल पे लेके नहीं बैठ सकते. I'm very particular about the partnerships I choose. Yes, I am, because I take my audience very seriously. ये audience मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है और मेरे लिए बहुत important है कि where y'all take my recommendation seriously. Y'all are going to put money into the products I recommend. So it's very important for me to only recommend that things that I like, will use, continue to use, are in my bathroom, are in my skincare vanity. So I do make it a point कि जो भी ब्रांड मेरे पास आए वो लोग मुझे टाइम दे टू ट्राई द प्रोडक्ट एंड देन गिव अ स्क्रिप्ट विच इज़ ऑर्गेनिक. मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफकोर्स ब्रांड को भी रिस्पेक्ट देना है बट मेरा ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन्ड हो. तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत पर्टिकुलरली लेती हूँ. यू स्टिल हैव एस्पिरेशंस टू गो अब्रॉड टू स्टडी? येस आई डू. यू रियली डोंट लाइक वेन पीपल आस्क यू योर रिलीजन एंड जज यू ऑन दोज बेसिस. यू वॉन्ट टू बी लुक्ड लाइक अ ह्यूमन एंड नॉट अ रिलीजन. ऑफकोर्स ऑफकोर्स, हु डजंट? आई एम गोना पुट माई सेटिंग स्प्रे फर्स्ट. Alright. The thing is, religion is such a sensitive topic in general, especially in India.
उसके ऊपर मुझे कभी समझा ही नहीं कि हमारा रिलीजन क्या था. वी वर एट होम, दादी से डालो नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये करो वो करो, तो हम करते थे. फिर नानी के घर पे जाते थे तो वी यूज टू हैव रोजरी, वी यूज टू हैव प्रेयर्स, एंड देन वी वर इन कैथलिक स्कूल, बोथ माई सिस्टर एंड आई, सो वी शुड डू दैट ऑल्सो, क्योंकि दो नानी और दादी दोनों को खुश रखना है. बट फिर उसमें और मेरी बहन को ना इतना फर्क नहीं पड़ता था, शी वॉज ओके विद इट. बट मैं बहुत चुगलीखोर हूँ ना, लाइक आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू रैशनलाइज एवरीथिंग, सो आई शुड आस्क लाइक क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा. और ये क्यों का ना किसी के पास जवाब ही नहीं होता था. तो देर वर पॉइंट्स इन माई लाइफ वेयर आई यू शुड थिंक कि वाई आर वी मिक्सड, यू नो, लाइक आई वुड नॉट हैव एन आंसर फॉर द पीपल हु आस्क्ड मी माई रिलीजन, आई वुड नॉट हैव एन आंसर फॉर माई फेथ, एंड आई वुड बी वेरी कन्फ्यूज. एंड द मोर आई ग्रो आई रियलाइज कि ऐसा नहीं है. लाइक वेन आई प्रे, आई हैव प्रेड नमाज सिंस आई वॉज अ किड, आईव केप्ट रोजा सिंस आई वॉज अ किड, एंड मैंने हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट फील किया है उसमें भी. बट आई हैव ऑल्सो प्रेड रोजरीज एट नाइट बिफोर बेड, एंड आई हैव ऑल्सो गॉन टू द चर्च विद ऑल माई शिद्दत फॉर ऑल माई मन्नत, एंड दैट ऑल्सो आई फेल्ट रियली कनेक्टेड टू. सो आई रियलाइज दिस कनेक्शन दैट आई फील इज विद गॉड, एंड दैट कनेक्शन विल नॉट गो इफ माई मॉम मैरिड अ कैथलिक और इफ माई डैड मैरिड अ मुस्लिम, एंड इफ आई वॉज बॉर्न, इधर वे आई वुड हैव नॉट बीन बॉर्न जस्ट इन जनरल, बट जस्ट यू नो, इवन इफ वी वर इन द सेम रिलीजन, दिस कनेक्ट दैट आई फील इज विद गॉड. तो ये मैं लोगों को कैसे समझाऊँ, ये लोग समझते ही नहीं है मालूम है. और लोगों को लगता है कि मैं मुस्लिम हूँ बट मैं बहुत मॉडर्न हूँ तो इसलिए मैं शॉर्ट क्लोथ्स पहनती हूँ वगैरह. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट लुक एट माई रिलीजन एज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन माई लाइफ. आई नो पीपल व्यू रिलीजन इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेज, अ लॉट ऑफ रिलीजन नाजीज डू कम इन माई कॉमेंट सेक्शन एंड से अ लॉट ऑफ थिंग्स टूडे. स्टार्टिंग में मुझे फ़र्क पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, बिकॉज यही चीज़ें सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ और बहुत इरिटेट होता था बचपन में भी. बट अब मैंने रियलाइज़ कर लिया कि सबका अपब्रिंगिंग बहुत अलग है. अगर मेरे अपब्रिंगिंग में ऐसी सारी चीज़ें थी तो तुम्हारे अपब्रिंगिंग में नहीं थी, एंड दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली फाइन. आई डू वॉन्ट पीपल टू व्यू मी एज अ ह्यूमन, डोंट व्यू मी एज अ रिलीजन, डोंट आइडेंटिफाई मी एज अ योर अ मुस्लिम, योर अ हिंदू, योर अ कैथलिक. मतलब मेरी बहन को तो इतना फर्क नहीं पड़ता था कि उसने जाके महाराष्ट्र से शादी की है, लाइक उसको लिटरली फर्क नहीं पड़ रहा था. तो इट्स इट्स एंड टुडे वी डोंट टेल ईशान, यू नो, व्हाट यू हैव टू बिलीव. ही वी जस्ट टेल हिम ईशू डू जय जय, वो जो भी गॉड देखता है ना ही दस जय जय. तो ही he's just, you know, I like how he's being brought up. He's being brought up in a way that he's learned to respect every religion, every person, every god, and that is how I want our children in our house and in general people to be. But I know I can't change the world, so to each one's own. Whatever you have been brought up as, good for you, but this is how I was brought up and I'm going to continue to be like this. But it would be great if you like stop asking my religion. That would be a great, great gift you do for me. Mera Eid hi samajh ke tum mujhe de do ki bas mera religion puchna band kar do. Okay, LJ's assumption is you don't want to work as an actress in a Bollywood movie because it's a totally different ENV and of course it would take you away from us. Okay, this is a very good assumption because people have been asking me a lot lately that if you get a chance to act or if you get a chance in movies, would you take it? The fact of the matter is no, I wouldn't, and that is only because it doesn't excite me. I'm not a movie buff. If you all have seen, main itne movie recommendations karti nahi hu, mujhe pasand nahi hai. मूवीज़ देखना मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, 3 घंटा एक ही जगह पे बैठ के मूवी देखना. अनलेस समबडी ड्रैग्स मी एंड टेक्स मी टू द थिएटर, आई डोंट वॉच अ मूवी, आई गो फॉर द पॉपकॉर्न. सो बट आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एक्टर्स, ऑफ कोर्स दे वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड हैव वेरी ऑफ शूटिंग टाइमिंग्स, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम. उनके काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बट मैं कभी ले ना पाऊँ. ओके, आई हैव नॉट अप्लाइड एनी कंसीलर ऑन माई आईलिड बिकॉज आई वॉन्ट दैट नेचुरल थिंग टू बी देयर. Very subtle and natural is what I'm going for. The entire Eid vibe. Summary. Rajashree is assuming that you're going to launch some very new and special coffee ranges, which will be a turning point of your life and business because it will be so different from anything else. P.S. This is a huge expectation. So it's an expectation more than an assumption. But I am working on a couple of things at Impulse, which are going to be very exclusive. Something no other brand I have seen on the market, on the e-com or the coffee market do. And yeah, I'm excited to bring those forward. Safiya Afreen assumes you're going to marry in 2022. Yes, Amit. Amit is sitting here. Am I going to marry in 2022? April toh aa gaya hai, huh? दूर दूर तक कुछ नहीं, अप्रैल तो ऑलरेडी आ गया. अगर शादी करनी होती तो अभी तो तैयारी शुरू करनी पड़ती थी ना. ओके, आई हैव डन लाइक अ फुल मैट आई. आई डोंट नो इफ आई वांट टू गो फॉर शिमर. आई थिंक आई विल जस्ट लाइक टेक अ लिटिल बिट ऑफ किस किस ऑफ आईशैडो फ्रॉम दिस पैलेट व्हिच इज द डोज ऑफ कलर्स एंड डेजी एक्स केटी. इसमें एक शैडो ब्रोकन है सिंस इयर्स, एंड इसको ओपन करने में मुझे बहुत डर लगता है.
But this shade is called only Just a Kiss, and it once I put it on my eyes, you will see it's literally like Just a Kiss. Looks very, very, very pretty. See? So pretty. Husnain has assumed you secretly are dating someone. Yes. Yes. I'm secretly dating someone. वो तुमको vlogs में नहीं दिखता है, वो नीचे बैठा रहता है जमीन पे, जब मैं पूरा दिन अपना कैमरा लेके घर में घूम रही होती हूँ तो तुमको दिखता है क्या? कोई किसी को नहीं डेट कर रही हूँ यार मैं, मेरी लाइफ में मैं कुछ भी सीक्रेट रखने की कैपेसिटी में ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन अपना लाइफ इंटरनेट पे डाल दूँ. सो इफ आई एम एवर डेटिंग समबडी, ही हैज टू बी प्रिपेयर्ड टू बी ऑन कैमरा, बिकॉज इट वोंट वर्क अदरवाइज. हाय सारा, माय अजम्पशन इज यू स्पेंड योर मनी वाइजली. बाय द वे, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर. आई डोंट नो हाउ करेक्ट माय assumption is, but you can make that assumption by seeing my videos. I love your content. Simra has said this, thank you so much Simra, and your assumption is partially false because I'm not very wise with spending my money. Kahin kahin main bahut uda leti hu, like candles. I go to Bath and Body Works, 10,000 yu hi chala jata hai hawa mein, and I don't need the candles. I have a lot of candles, I can save that money. तो ऐसी सब जगहों पे यू हैव टू लाइक यू नो, मुझे बांध के कोई घसीट के लेके जाए वहां से, तभी मैं रुकूंगी, वरना मैं अपना पैसा खर्चा कर देती हूँ. बट बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले मैं अच्छे से सोच लेती हूँ, लाइक माइक खरीदना है, कैमरा खरीदना है, लाइट्स खरीदनी है, ये सब जहाँ एक साथ बहुत पैसा लग जाएगा वहां पे आई थिंक एंड रिसर्च एंड बाय एंड आस्क अ लॉट ऑफ पीपल बिफोर आई मेक द परचेज. बट ऐसा इम्पल्सिवली ऑल्सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, सो आई एम पार्शियली केयरफुल, पार्शियली नॉट. Okay, I want my eyes to look open, so that's the reason I'm going to take a white eyeliner today. आज मुझे काजल लगाने का मन नहीं कर रहा है, so I'm going to buff out white liner नीचे. This is the Wet n Wild White Kohl. The Scorpion Diary has assumed you love to eat prawns and you are a terrible singer. This is true. This assumption is 100% true. I love prawns, I love seafood, and I am a horrible singer. Rudula has assumed your family is very rich. Absolutely not. This is a wrong assumption. We are comfortable as to the point ke abhi, kyunki hum charo jan, matlab mere mom dad unke liye kama rahe hain, unko itna pressure nahi ki bachcho ke liye kamana padega, kyunki ek beti like shaadi karke acche se settled hai, ab main kama ke acche se settled hu, hum sab apni individual lives mein settled hai, to abhi mashallah se hum comfortable hai. बट जब हम दोनों बच्चे मेरे माँ पे डिपेंडेंट थे तो उनको बहुत स्ट्रेस था. दे हैव वर्क देयर वे अप फ्रॉम ग्राउंड, मतलब लिटरली फ्रॉम आई वुड से पॉवर्टी टू मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास एंड टू वेयर दे आर टुडे. दे हैव वर्क देयर वे अप एंड आई रिस्पेक्ट दैट एब्सोल्युटली. सो दे आर नॉट वेरी रिच, वी आर जस्ट कंफर्टेबल इन वेयर वी आर. I'm very content and grateful, of course, alhamdulillah. Sam N, assumption is you earn way more than all the similar YouTubers with similar or more subscribers. To be precise, you earn more than 3.5 lakhs per month. This assumption is also influenced a little by your YouTube stats, which actually puts your monthly income at about $8,000 plus per minute. Wow, so this person has done their research about my YouTube stats and my net worth and everything. Now, let's take the first assumption, that is I earn way more than other YouTubers who have the same following or more following than me. This I don't think is true, because I'll tell you why. I don't work with a lot of the big brands, if you've noticed. I don't work with Nykaa, I don't work with Mamaearth. These are the well-paying big brands. And whenever, like, I have been made to feel this way, like, abhi to mere friends ho gaye kafi industry mein, so they tell me ke tune bahut badi gadbad kar di, Nykaa ke sath pange le li, ab to, matlab, you know, they pay very well and they get a lot of collaborations and stuff like that. And they're easygoing also, apparently, with influencer collabs, which is great for all the creators who work with them. So a very big part of the beauty market that I can work with as a beauty creator, I don't work with. So that does compromise a lot of my this. Mamaearth also, I have only worked with their color care range. I've never worked with their skincare. I do work with their sister brands because I really like Dermaco, Ayuga, Aqualogica products. And I really like this. So I'm very particular, you know, jo products mujhe pasand hai, main wohi wale products market karti hu. Mere itne bhi rules hai ki main ek mahine mein sirf do skin care, ek hair care lungi. Because usse zyada main skin aur hair try nahi kar sakti hai, to usse zyada main recommend nahi kar sakti. To overall, jitne main campaigns kar sakti hu, wo bahut limit ho jate hai, kyunki aadhe brands ke saath main kaam nahi kar rahi hu. Aur aadhe jitne aa rahe hai, unme se bhi main itni particular hu, kyunki bahut skin care ho gaya hai market mein. And sare skin care brands aate hai collabs ke saath, but I can't possibly being one person with one skin do everything.
So I don't think ke I am being paid just as much as everyone else or more for that matter, because aadha kaam to main le hi nahi rahi hu. But for the content that I do and for the work that I do charge, I think, just as much as I deserve. Because phir meri credibility bahut important hai. Meri audience genuine hai. Ek bhi audience, ek bhi subscriber maine aaj tak kharida nahi hai. Ek bhi follower maine bot account se nahi kharida hai. Every audience that I have is my own audience that maine build ki hai itne saalon mein. Plus, meri recommendations log seriously lete hai. So, I'm definitely not like undercharging myself. I do earn well enough because even I have rent to pay. I have bills to pay. I have a house to run. I earn more than 3.5 lakhs to be very precise per month. Yes, I do. That assumption is true. This assumption has been influenced by a full 8,000 US dollars plus per minute ka jo tumne statistics koi social blade wagere pe dekha hoga, to wo usko follow mat karo kyunki wo upar niche hote rehta hai aur unka US dollars mein calculation hota hai jo bahut different hai. Indian market, Indian INR bahut alag chalta hai because inflation, apna conversion rate, apna sab kuch bahut अलग है. And that is also subject to market risk. Everything is subject to market risk. Anyways, Tarannum has assumed you think you are a Muslim, but I don't think you always wear short dresses. That is haram in Islam. Okay then, whatever you think is good for you. Sumaya Yasmin Laskar has asked, assumed, I feel like you have an active sex life. I am not going to answer this because my parents are going to watch this video. But Baisaki Karan has assumed your highest paycheck is in 7 digits. Yes, it is. Ishika has assumed you are an all-time party person. I am a buddhi at heart. I'm an old soul. मेरे को कोई भी बोलता है बाहर चल, मैं 2-3-4 बार सोचती हूँ आजकल. I'm like, घर पे आ जाओ ना, घर पे आ जाओ, मैं खाना मंगा लेती हूँ, घर पे आ जाओ, मैं सबको घर पे बुला लेती हूँ. खुद मुझे बाहर जाने में बहुत कंटाला आता है. But no, I make an active effort to go out, but I like to go for wine and dine nowadays, go out on dates like that rather than going for a, you know, party person, because I don't think like I go to parties and like very crowded places and makes me claustrophobic. I used to be this person. Actually, ये सब मैंने बहुत कर लिया. 13, 14, 15, 16, 17 की एज तक मैंने बहुत पार्टीज की है, बहुत क्लब्स गई हूँ, and I've lived that life. बहुत अपनी जवानी जी ली मैंने. तो अब मैं ठीक हूँ, अब मैं घर पर बैठ के ठीक हूँ. Ashika Gupta has assumed you were a super rich kid. No, I wasn't. Like I said, my parents had their fair share of trouble. But they never made me feel that way. Like they never made me feel like we didn't have money. They would do somewhere or the other से किसी से लेके ये वो, but मेरी सारी demands fulfill होती थी, which was wow at that time, because I like now I look back and I'm like, how did you all do it? Like I have so much respect for my parents. I was like, कैसे करते थे तुम लोग? क्योंकि इतनी महंगाई और चीजें इतनी महंगी कि तुम लोग कैसे afford करते थे और हमको कैसे you know trips पे लेके जाते थे, क्योंकि एक अकेले का ट्रैवल मुझे उठाना इतना भारी पड़ता है माशाल्लाह इतना कमा के, और वो लोग चारों जन को स्पॉन्सर कर देते. सो आई एम इन ऑफ हाउ दे मैनेज्ड. बट या हीना हैज अज्यूम्ड यू आर मैरिड एंड मदर ऑफ वन चाइल्ड. यस, आई छुपाओ माई चाइल्ड इन द कबर्ड एंड पति मुझे छोड़ के चला गया. आई एम टेकिंग द मैक्स टैक मस्कारा. आई एम लविंग दिस मस्कारा. यू गाइस ऑब्सेस्ड विद हाउ गुड इट इज. बहुत ही अच्छा है. मतलब आई डोंट नो कितने का है, बट बहुत ही अच्छा है. मतलब आई कांट कीप माई हैंड्स डाउन. इट्स नॉट इवन वाटर प्रूफ, तो इसको निकालना मुश्किल नहीं है. और लैशेस बहुत अच्छे से कोट करता है. बिना कलर यूज किए अपने लैशेस को कर्ल करता है, होल्ड करके रखता है, एंड इट डजेंट फ्लेक ऑफ थ्रू आउट द डे. लुक्स वेरी प्रिटी एंड द वॉन्ड ऑन दिस इज वेरी नाइस एंड यू कैन बिल्ड दिस अप एज मच एज यू वॉन्ट. आकांक्षा हैज अज्यूम्ड यू वॉन्ट टू हैव अ बिग फैट लैविश वेडिंग. एक्चुअली नॉट. I love watching them. I love watching people get married in big, fat, lavish ways. And I really hope कि मेरी सारी friends की वैसी ही शादी हो, ताकि मैं बहुत सारे कपड़े से ला सकूँ. But मुझे खुद की शादी बहुत ही low key, beach पे, एकदम subtle, सिर्फ my close ones, you know, maybe a destination wedding. That's the kind of vibe I have. But of course, it will like change with the partner that I choose also. Okay, well, lip pencil, I've taken the Sugar Cosmetics Slipping on Edge Lip Liner in Wooded by Nude. Love this color. And just in the center, I'm gonna dab a little bit of the Nykaa Jade Rose Lipstick. I love how it looks. I think I'm gonna do lashes to complete it. I'm using the Henna Henna Beauty Shiza Lashes. What a difference an eyelash can make. Okay, for earrings, I'm wearing this very pretty pair of earrings I got from Elle. It's a shop in Lokhandwala Market.
Alrighty guys, this is my finished look for Eid. I think I really like how my makeup turned out. It's lightweight, it's breathable, at the same time very subtle and glowy and pastely because my outfit is pastel. Ye pure outfit ka making bahut hi jald next video hi aa jayega mera outfit from scratch. So agar aap interested ho then don't forget to hit subscribe. Agar abhi tak wo bell icon nahi press kiya then don't forget to hit the bell icon warna pata hi nahi chalega jab video jayega live. These beautiful jhumkis are from Elle Collection. I will leave the store details for y'all in the description box. Love their jewelry always and sare links products ke bhi description mein hoge. I hope you guys enjoyed. Mujhe to bahut maza aayi sare aapke assumptions lene mein and so many of y'all poured in just so much love which I'm absolutely grateful for. I'm very grateful alhamdulillah for where we are today from our first Eid get ready with me to where we are now. We've come a very very long way and I'm grateful to all my Sara squad who are here, who've joined along the way and who are constantly joining in. So thank you so much. I really wish you and your families had a great Eid and Eid Mubarak once again. If you like this video, don't forget to give a big thumbs up. For today's video, Sara Squad shout out goes to Vaishali Priyadarshini. Thank you so much for watching and supporting my channel. If you want to be a part of next video, Sara Squad shout out, you know what to do. Hit that subscribe button, bell icon right next to it, and also leave a comment down below saying hashtag Sara Squad. And you get a chance to be a part of my next video, Sara Squad shout out. I'll see you guys very soon in another video. Bye guys, love you. Mwah.